उत्तराखंड सरकार प्रवासी राज्यवासियों को वापस बुलाने के दावे तो कर रही है, लेकिन कांग्रेस इन दावों पर सवाल उठा रही है। सूर्यकांत दसमाना जी प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं। सर, सरकार कह रही है कि 1,64,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया और बहुत जल्द वापस इनको लाया भी जाएगा, लेकिन कुछ लोग परेशान हैं अभी, उनको नहीं लगता कि बहुत जल्द इसमें सरकार उनको वापस बुलाए। देखिए, सबसे तकलीफ की बात यह है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, पड़ोस में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, और हमारे लोगों को इंदौर में बीजेपी की, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। हमारे लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है इंदौर से, हमारे लोगों को गुड़गांव से पैदल चलना पड़ रहा है, उनके लिए इंतजाम नहीं हो रहे। हम लगातार बोलते जा रहे हैं सरकार से, आज से थोड़ी बोल रहे हैं, हम तो लगातार जिस समय से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से लेकर के चिल्ला रहे हैं, तब से लोग करके बोल रहे हैं। सरकार को 25,000 लोगों की हमने बाकायदा जो हमारे ऐप में लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया उसकी सूचना हमने सरकार को दी, मुख्यमंत्री ने मिलने से मना कर दिया। उत्तराखंड के अंदर आप कह रहे हैं 1,64 आपके लोग रजिस्टर्ड हो गए, लाए कितने आप आज की तारीख तक? 7,000 का आप दावा कर रहे हैं, अगर हम उसको सही भी मान लें तो 1,64 - 7, बाकी लोगों का क्या होगा? 1.5 लाख से ज़्यादा जो लोग इस समय फंसे हुए हैं उनका क्या होगा? तो इसलिए सरकार को और बीजेपी की सरकार को और मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री जी को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, इस पर लोगों की तकलीफ देखनी चाहिए, लोगों की परेशानी देखनी चाहिए। ट्रेन को लेकर के जो आपके अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस वहन करेगी जहां अलग अलग राज्यों में लोग फंसे हुए हैं, ये क्या राजनीतिक शगुफा है या हकीकत में ऐसा? हमें तो कल राजनीतिक शगुफा नहीं है, मैंने कहीं कल प्रेस रिलीज भी नहीं करी जा रही, मैंने किसी प्रेस वाले से इस बारे में बात भी नहीं करी, लेकिन मैं रेलवे स्टेशन में रेलवे अधीक्षक से मिलकर आया कि आप ट्रेन कब शुरू कर रहे हैं, अभी ट्रेन ही शुरू करने का इंतजाम नहीं है, अभी तक ट्रेन ही नहीं है। अब ट्रेन हो तो हम लोगों को छुड़वाएं, लोगों को जो किराया, अब आप देखिए तमाम जो वीडियोज आ रहे हैं पूरे देश भर से, किराया वसूला जा रहा है और ये कह रहे हम किराया नहीं वसूल रहे, लेकिन उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी ने निर्णय लिया है और हम सब लोग उनके निर्णय के साथ हैं। सोनिया जी ने जो आह्वान किया है, यहाँ से जितने भी लोग यहाँ से जाएंगे उनका इंतजाम हम करेंगे। प्रोग्राम से बात करने के लिए, तो राज्य सरकार अपने फंसे हुए प्रदेशवासियों को वापस लाना तो चाहती है, लेकिन कांग्रेस उस पर सवाल उठा रही है।